हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो मैंने स्टार्ट किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, आपने देखा होगा कि क्रैम्स रूल, राइट। तो क्रैम्स रूल का ही कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया था, एंटी क्रैम्स रूल, यानी कि सारे क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, केवल क्रैम की मैंने ट्रिक कराई थी और एक दो प्रॉब्लम्स कराए थे, राइट। तो मैं इस वाले लेक्चर में आपको एंटी क्रैम की ट्रिक और उसके एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ आपको, एंटी क्रैम और क्रैम दोनों के, जो बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आपको ट्रिक की हेल्प से आपको क्वेश्चंस अभी करने हैं, ठीक है। मॉडल पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है, मॉडल जनरली कम पूछा जाता है, या वो ये नहीं कहता, क्योंकि हमारा एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपसे ये नहीं बोलता कि आप मॉडल बना के करो, ठीक है। आपको अल्टीमेटली आपको आंसर निकालना होता है, तो आप ट्रिक की हेल्प से, अगर आपको एकेडमिक्स में कहीं पर क्रैम्स रूल लिखना है तो मैं वैसे भी बता दूंगा, ठीक है, मॉडल की हेल्प से कि कैसे कैसे आपका मॉडल, एंटी क्रैम का मॉडल क्या था और आपका फैल्कन आन मॉडल क्या था, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी आप एंटी क्रैम और क्रैम की ट्रिक की हेल्प से आप क्वेश्चन करोगे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्रैम की प्रीवियस वीडियो में, तो इसमें देखो आप एंटी क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल यानी कि ये ट्रिक है, इफ़ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल ग्रुप देन न्यूक्लियोफाइल कम्स फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ मीडियम ग्रुप ऑन कार्बोनिल सेंटर, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर आपका कुछ इस टाइप का है, देखो मान लो ये आपका R C डबल बॉन्ड O है, अगर ये कह रहा है कि देखो इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द, अगर इसी को मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर आपका लार्ज ग्रुप है C डबल बॉन्ड O R, अगर वो लार्ज ग्रुप एंटी यानी कि ये लार्ज है और ये आपका स्मॉलर है और ये आपका मीडियम है, ठीक है। तो पहली वाली ट्रिक देखो, इफ लार्ज ग्रुप एंटी टू द कार्बोनिल ग्रुप, ये सीओ के एंटी है लार्ज ग्रुप, ठीक है, तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो मीडियम ग्रुप की स्टीरियो से आएगा, मीडियम ग्रुप की स्टीरियो से आएगा, मतलब मीडियम ग्रुप की स्टीरियो यहां पर क्या, बिलो द प्लेन, यानी कि जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो भी आपका बिलो द प्लेन आएगा। कहने का मतलब जो मैंने क्रैम की ट्रिक बताई थी उसका जस्ट रिवर्स हो गया यहां पर एंटी क्रैम में या फैल्कन आन मॉडल में, राइट। तो नेक्स्ट ट्रिक है आपका इफ लार्ज ग्रुप सिम टू द कार्बोनिल ग्रुप, मतलब यानी कि ऐसा है सी डबल बॉन्ड ओ आर, अगर आपका लार्ज ग्रुप यहां है और ये आपका स्मॉलर है, ये आपका मीडियम है, सीओ के पैरेलल है यानी कि सिन है, एक डायरेक्शन में अगर आपके लार्ज ग्रुप और सीओ है, तो तब जो इनकमिंग ग्रुप होता है यानी कि इनकमिंग ग्रुप यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, आपका स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो से आएगा इस कार्बोनिल सेंटर पर, यानी कि वैसे ही हम स्टीरियो को डिसाइड करेंगे। देखो अब अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एंटी क्रैम में एक्चुअली एंटी क्रैम तब लगता है यानी कि क्रैम तब फॉलो नहीं होता जब चिलेशन होता है, ठीक है। जैसे चिलेशन में कुछ मेटल होनी चाहिए, चिलेटिंग रिएजेंट का होना बहुत इसेंशियल है, चिलेटिंग रिएजेंट होगा और अल्फा कार्बन पर, जैसे ये है, ये कार्बोनिल है, इसके अल्फा कार्बन में आपका हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, तो ये चिलेशन में पार्टिसिपेट करता है कहां पर, जब अल्फा कार्बन में हेट्रो एटम होगा और रिएजेंट में आपका चिलेटिंग मेटल होगा, चिलेटिंग मेटल मतलब मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर आयन हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, सीरियम एंड मैग्नीज हो सकता है, और कभी कभार आपका लिथियम भी हो सकता है, लेकिन लिथियम समटाइम्स लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब लिथियम कभी कभी आपका चिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जनरली आपको क्लियर करा दूं, लिथियम ऑक्सीजन के साथ ही चिलेशन करता है। क्लेडन की बुक में आपको लिखा होगा कि Li पॉजिटिव ऑफन लिखा होता है, यानी कि वो कुछ आपका एटम्स के साथ वो चिलेशन दिखाता है, उनमें से आपका ऑक्सीजन जनरली आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। और जो Na पॉजिटिव और पोटेशियम है, K पॉजिटिव, ये चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर मतलब अगर यहाँ पर देखो अभी NaBH4, इसके साथ चिलेटिंग मेटल आपका सीरियम प्लस थ्री, तो यानी कि ये जो चीज है ये एंटी क्रैम के रूल को फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन जो कायरल सेंटर है इसमें हेट्रो एटम भी है कार्बोनिल के अल्फा सेंटर पर और चिलेटिंग मेटल भी है, तो ये एंटी क्रैम को जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको एंटी क्रैम रूल लगा के इसका प्रोडक्ट निकालना होगा। अब देखो एक चीज और, हमेशा जब भी आपको हेट्रो एटम दिया होता है अल्फा कार्बन पर, तो उसको ही आपको लार्ज कंसिडर करना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर लार्ज स्मॉलर तो बोल दिया, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए कि लार्ज ग्रुप कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो देखो लार्ज ग्रुप एक्चुअली ऐसे कंपाउंड में जहां पर हेट्रो एटम होगा, लार्ज ग्रुप जनरली क्या होता है, हेट्रो एटम वाला ही लार्ज होता है,
ठीक है, हेट्रो एटम को ही हम लार्ज कंसिडर करते हैं। और दूसरी कंडीशन ये कि यार जो जिसको हम लार्ज कंसिडर कर रहे हैं वो इन प्लेन होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए, इन प्लेन। अब ये तो अबव द प्लेन है, इसको इन प्लेन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे। अब देखो चेंज करने का रूल क्या है, पहला ही इंटरचेंज ऐसा होना चाहिए कि लार्ज ग्रुप आपका इन प्लेन आ जाए। ठीक है, तो पहले अगर मान लो ये एच ओपन करके नहीं दिया आपको, तो एच को आप इस साइड ओपन मत करना, एच को आप इस साइड ओपन करना, क्योंकि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं। मेरा टारगेट क्या है कि मैं लार्ज ग्रुप को, इसको मैं लार्ज कंसीडर कर रहा हूं, तो लार्ज ग्रुप को इन प्लेन लाना है। तो इंटरचेंज करो, फर्स्ट इंटरचेंज आपने करने हैं, यानी कि ओ पी पी एच टू को मैं कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, लार्ज ग्रुप आपका ओ पी पी एच टू, और ये आर कहाँ चले जाएगा आपका, अबव द प्लेन, और एच कहाँ चले जाएगा आपका, बिलो द प्लेन। सेकेंड इंटरचेंज करोगे क्योंकि जब भी आपको, ये आपका आर था सॉरी, जब भी आप इंटरचेंज करोगे तो केवल सिंगल इंटरचेंज में आप रिएजेंट का अटैक नहीं कराओगे, आप डबल इंटरचेंज करना होता है। सिंगल फर्स्ट इंटरचेंज किया, ठीक है, फर्स्ट इंटरचेंज किया, अब सेकेंड इंटरचेंज हो रहा है, सेकेंड इंटरचेंज में ये दो आपस में इंटरचेंज होंगे, तो क्या मिल जाएगा आपका, ऐसा C डबल बॉन्ड O, R कहाँ चले जाएगा आपका, अबव द प्लेन, और H कहाँ चले जाएगा आपका, बिलो द प्लेन, और ये आपका O P P H टू। देखो ये हमारा फाइनल बना, इसमें हम रिएजेंट का अटैक करेंगे। रिएजेंट क्या था, NaBH4, ये क्या देता है, हाइड्राइड, H नेगेटिव। हाइड्राइड किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनिल सेंटर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये एच नेगेटिव अटैक करेगा, एच नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, इस सेंटर पर एच नेगेटिव का अटैक होना है। अब क्वेश्चन यही है कि एच नेगेटिव कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा, तो अब आपको देखना है भैया कि कैसे होगा। देखो लार्ज ग्रुप सीओ के पैरेलल है, यानी कि सिन है, देखो सेकंड वाली ट्रिक अप्लाई होगी, इफ लार्ज ग्रुप सिन टू द कार्बोनिल ग्रुप, देखो लार्ज ग्रुप है, सिन है किसके, कार्बोनिल ग्रुप के, तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहां से आएगा आपका, स्मॉलर से। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि भैया, अब बार बार तो ऐसे रिमाइंड नहीं करूंगा, तो मैं यहां पर क्लियर करने के लिए ये लिख दे रहा हूं कि ये स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो के साथ आएगा। स्मॉलर ग्रुप अल्फा पोजीशन में, जो स्टीरियो है स्मॉलर की, वो कैसी है, बिलो द प्लेन, यानी कि ये वाला जो एच नेगेटिव है वो कहां से आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। ठीक है, तो भैया बिलो द प्लेन आएगा तो क्या हो जाएगा, जो यहां पर OH बनेगा वो अबव द प्लेन बनेगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, OH आपका अबव द प्लेन बन गया, H आपका बिलो द प्लेन आया, और आपका ये आपका R, ये आपका H, और ये आपका ओ पी पी एच टू। ठीक है, और ये देखो यहां पर जो हमने इंटरचेंज करके ऐसा बनाया था, लेकिन ये है एग्जैक्टली कैसा, क्योंकि ये चीज वही है, क्योंकि यहां पर तो रिएक्शन थोड़ी ना हो रही, इस सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही, तो इस सेंटर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो हमने जस्ट स्टीरियो फाइंड करने के लिए, इस सेंटर पर स्टीरियो को, स्टीरियो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, स्टीरियो फाइंड करने के लिए हमने इस सेंटर पर क्या किया था आपका, इसको इंटरचेंज किया था, डबल इंटरचेंज। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एच ओ पी पी एच टू, और ये आपका आर, और यहां पर हमने स्टीरियो फाइंड की थी, एच एच बिलो द प्लेन आया था, एच ओ एच आपका अबव द प्लेन आया था, और ये चीज आपका ऐसा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्लेडन की बुक किस, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, स्टीरियो से रिलेटेड एंटीक्रैम है, फैल्कन आन मॉडल, जहां पर चिलेशन होता है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेजर है। मैं ये नहीं कह रहा कि माइनर नहीं बनेगा, माइनर जो होगा वहां पर जो OH है ना वो बिलो द प्लेन होगा डेफिनेटली, तो क्योंकि ये डाइस्यो सेलेक्टिव होती है, डाइस्यो सेलेक्टिव में एक ही कंपाउंड तो नहीं मिलेगा, दो मिलेंगे, एक मेजर मिलेगा, दूसरा आपका माइनर। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है उसको एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट से, मेजर प्रोडक्ट उसका टारगेट होता है, तो ये आपका मेजर है। आपको एग्जाम में दोनों प्रोडक्ट दिए हो सकते हैं, कैसे, ये इस तरीके से आपको OH को ये अबव है तो ये यहाँ पर आपका बिलो हो जाएगा, एच आपका अबव हो जाएगा, और सामने आपका ये आपका ओ पी पी एच टू, और आपका ये आपका एच, और ये आर, लेकिन ये वाला क्या होगा आपका, ये माइनर होगा, राइट, ये वाला मेजर और ये वाला माइनर। क्लेडन की बुक आप देखोगे, क्रैम्स रूल बहुत अच्छे से दे रखा है, सारे एग्जाम्पल्स करना, जितने मैं ट्रिक बता रहा हूँ इनको अप्लाई करके, डेफिनेटली एक एक प्रॉब्लम आपका बन जाएगी, राइट। अब देखो नेक्स्ट,
अगर इसी प्रॉब्लम में, इसी प्रॉब्लम में अगर आपका NaBH, अगर CaCl3 नहीं होता, NaBH4 होता ओनली, तो फिर क्या होता है? देखो, अगर मान लो, देखो मैं क्लेडन के एग्जांपल्स करा रहा हूं, मान लो कुछ ऐसा था, यही प्रॉब्लम थी, ऐसे और सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आपका OPPH2, ठीक है, और ये आपका R, ऐसा है। अब इससे पहले तो मैंने NaBH4 के साथ आपका CCl3 लिया था, लेकिन इस केस में मैं NaBH4 के साथ CCl3 नहीं ले रहा हूं, इस केस में ओनली मैं NaBH4 ले रहा हूं। क्या फेल्किन अन मॉडल की ट्रिक लगेगी? क्या फेल्किन अन मॉडल को फॉलो करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि चिलेटिंग मेटल होना चाहिए। क्या सोडियम चिलेशन करता है? सोडियम चिलेशन नहीं करता है, तो इसलिए यहां पर आपका क्रैम्स रूल ही लगेगा। जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको क्रैम्स पढ़ाया था, वही रूल लगेगा। यानी कि देखो, ये आपका क्रैम्स से जाएगा, एच नेगेटिव अटैक करेगा, लेकिन डायरेक्ट आप अटैक नहीं करा सकते। क्यों? मैंने आपको एक चीज बोला था कि यार, लार्ज ग्रुप हेट्रो एटम को हम लार्ज कंसिडर करते हैं। क्या हेट्रो एटम जब लार्ज ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या इन प्लेन है? इन प्लेन नहीं है, तो आपको इसको इंटरचेंज करना होगा। तो इंटरचेंज कर लो भैया, फर्स्ट इंटरचेंज करोगे, अभी मैंने बताया था एग्जैक्टली वही है, पहला ही इंटरचेंज ऐसे करना है कि ये जो लार्ज ग्रुप है वो इन प्लेन आ जाए। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, लार्ज ग्रुप को इंटरचेंज करना है, OPPH2 हो जाएगा, आर कहां चले जाएगा आपका अबव द प्लेन, और एच कहां चले जाएगा आपका बिलो द प्लेन। फिर अगेन, जब सिंगल इंटरचेंज से आपको रिएजेंट का अटैक नहीं कराना है, डबल इंटरचेंज करोगे, तो ये चीज हो जाएगी आपका डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका देखो R और H को इंटरचेंज करेंगे ना, क्योंकि इस ग्रुप का इंटरचेंज करके कोई फायदा नहीं, तो हम यहां पर इंटरचेंज करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R आपका बिलो द प्लेन और H आपका अबव द प्लेन, ठीक है। बस इस वाले स्टीरियो के हिसाब से हमें H नेगेटिव, यानी कि जो NaBH4 है, उसका अटैक कराना है इस कार्बोनिल सेंटर पर। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि यार, इस कार्बोनिल सेंटर की स्टीरियो क्या होगी? तो ये स्टीरियो कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगी आपका इस ट्रिक से। देखो, लार्ज ग्रुप है, OPPH2 है, लार्ज ग्रुप CO के कहां है, पैरेलल है, यानी कि सिन है, तो जो इनकमिंग ग्रुप की स्टीरियो होगी वो कहां से आएगी? आपका स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो से आएगी। स्मॉलर ग्रुप कहां है आपका? अबव द प्लेन। अबव द प्लेन, तो H नेगेटिव कहां से आएगा आपका? सॉरी, ये आपका, ये तो एंटीग्राम की ट्रिक है ना, ये तो एंटीग्राम की ट्रिक है, ये तो क्रैम रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट रिवर्स होगा। देखो, लार्ज ग्रुप आपका, लार्ज ग्रुप कहाँ है? CO के सिन है, तो एंटीग्राम कहता है कि स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो से आएगा, लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर को देखना, उसमें जब CO और लार्ज ग्रुप पैरेलल होते हैं, यानी कि सिन होते हैं, तो जो इनकमिंग ग्रुप की स्टीरियो होती है वो मीडियम ग्रुप की स्टीरियो से होता है। इसका जस्ट रिवर्स करोगे तो यहां पर जो H नेगेटिव है, ये आपका मीडियम ग्रुप की स्टीरियो के साथ आएगा, यानी कि H नेगेटिव मीडियम ग्रुप की स्टीरियो क्या है? बिलो द प्लेन, यानी कि OH कहां, H नेगेटिव यहां बिलो द प्लेन, और जो OH बनेगा वो अबव द प्लेन बनेगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका ऐसा। एच नेगेटिव कहां? मीडियम ग्रुप की स्टीरियो, यहां पर मीडियम कौन है? आर है ना, एच तो स्मॉलर है, तो मीडियम ग्रुप बिलो द प्लेन, एच नेगेटिव कहां से आएगा? बिलो द प्लेन, यानी कि OH कहां चले जाएगा? अबव द प्लेन। ये आपका एच हो गया, और ये आपका आर हो गया, और ये आपका OPPH2। अब देखो, इस सेंटर को तो मैंने इसलिए इंटरचेंज किया था, इससे ये इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ढूंढना था, ठीक है, मैंने ट्रिक को अप्लाई करना था। अब मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि इस सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही है, ओनली रिएक्शन इस सेंटर पर हो रही है कार्बोनिल में, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगेन मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं आपका, यहां पर हमें स्टीरियो मिल गई OH, और ये आपका बिलो द प्लेन है, और ये आपका H आपका बिलो द प्लेन, और आपका OPPH2 और आपका R, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपका क्या होगा? मेजर। इससे पहले मेजर प्रोडक्ट क्या था? OH आपका बिलो द प्लेन था, और H आपका अबव द प्लेन था, राइट? तो ये फेल्किन अन मॉडल को फॉलो नहीं किया, ये नॉर्मल क्रैम से गया था। लेकिन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि हमें ट्रिक तो याद रहती है हम, लेकिन यहां पर बिना चेंज के ही यहां पर अटैक करा देते हैं, ठीक है, इतना बताने के बाद भी। तो आपको ध्यान रखना है, अटैक कब होगा? जब लार्ज ग्रुप इन प्लेन होगा, तभी ट्रिक आप अप्लाई करोगे।
अदरवाइज आप इसको इंटरचेंज करोगे, डबल इंटरचेंज करने के बाद जो स्मॉलर और मीडियम ग्रुप की स्टीओ होगी और ट्रिक जो भी आपको ट्रिक कहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको अटैक कराना है, देन आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्लेडन का ही है, क्लेडन का नेक्स्ट एग्जांपल आपका एम ई टू एम जी। देखो ये है एम ई ओ आर और आपका सी डबल बॉन्ड ओ पी एच एंड आपका एम ई टू एम जी और यहाँ पर दे रखा आपका टी एच एफ, ठीक है, टी एच एफ दे रखा माइनस 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको देखो इसकी स्टीरियो फाइंड करनी है। अगेन देखो ये आपका एंटी क्रैम होगा या क्रैम होगा, हेट्रो एटम है, चिलेटिंग मेटल है मैग्नीशियम, तो भैया एंटी क्रैम जाएगा, यानी कि ट्रिक इन दोनों में से ही एक लगेगी। कौन सी लगेगी? मैंने कहा कि लार्ज ग्रुप को आप क्या मानोगे, लार्ज ग्रुप को क्या मानोगे, हेट्रो एटम को लार्ज ग्रुप मानोगे। लेकिन अगर हेट्रो एटम को लार्ज मानोगे तो कंडीशन क्या है, ये हेट्रो एटम इन प्लेन होना चाहिए। यहां पर अगेन वही हो रहा है, अब ऑफ द प्लेन दे रखा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंटरचेंज करोगे, फर्स्ट इंटरचेंज करोगे, फर्स्ट इंटरचेंज में क्या आ जाना चाहिए आपका, फर्स्ट इंटरचेंज में लार्ज ग्रुप इन प्लेन आ जाना चाहिए, यानी कि आपने एच क्लेडन की बुक में एच को ओपन नहीं किया था। एग्जाम में भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, एच को आपने ओपन किया इस साइड, क्योंकि पहला इंटरचेंज ओ आर को यहां पहुंचा देगा इन प्लेन। तो ये बन जाएगा आपका ओ आर और एम ई चले गया अबव द प्लेन, क्योंकि ये यहां और ये यहां, इंटरचेंज का मतलब यही तो होता है। और ये आपका एच और आपका सी डबल बॉन्ड ओ और आपका पीएच। देखो फर्स्ट इंटरचेंज हुआ, सेकंड भी तो करोगे, ये आपका सेकंड इंटरचेंज में एमई और एच आपस में इंटरचेंज होंगे, ये आपका ओआर हो गया और ये बन गया आपका अबव द प्लेन एमई और आपका ये, सॉरी इंटरचेंज होंगे तो एच आपका ये और एमई आपका बिलो द प्लेन बन गया और ये सी डबल बॉन्ड ओ और आपका पीएच। देखो इसमें आपको अप्लाई करना है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एमई नेगेटिव, ये क्या देता है, एम ई नेगेटिव देता है, ये क्या देता है आपका एम ई नेगेटिव, ये एम ई नेगेटिव अटैक करेगा यहां पर, एम ई नेगेटिव अटैक करेगा इस वाले में। देखो ओवरऑल कहानी यही है कि यार इस एम ई नेगेटिव जब ये अटैक करेगा यहां पर स्टीरियो इसकी क्या होगी, ये फाइंड करने के लिए हमने इतनी स्टोरी बताई थी। तो भैया अब आप ट्रिक अप्लाई क्यों करो, ये लार्ज ग्रुप है, दिस इज लार्ज ग्रुप, ये सीओ, सीओ और ओ आर इनकी लार्ज ग्रुप कहां है, पैरेलल है, यानी कि सिन है, ये सिन है। तो यानी कि जब ये सीन होते हैं इनकमिंग ग्रुप, यानी कि एमई नेगेटिव की जो स्टीरियो होगी वो स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो की जैसी होगी, इन दोनों में स्मॉलर कौन है, एच, एच की स्टीरियो की जैसी होगी इस एमई नेगेटिव की स्टीरियो यहां पर, यानी कि एमई नेगेटिव एच आपका अबव है, एमई नेगेटिव भी अबव द प्लेन आएगा और यहां पर जो ओएच बनेगा वो बिलो होगा, यानी कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो क्या है, स्मॉलर ग्रुप की स्टीरियो की जैसी होगी, यानी कि अबव द प्लेन आपका एम ई आएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका ओ आर और एच आपका अबव द प्लेन एम ई और ये बन जाएगा एम ई नेगेटिव स्मॉलर ग्रुप, यानी कि अबव द प्लेन एम ई आपका अबव आया तो ओ एच जो बनेगा ये आपका बिलो द प्लेन बन जाएगा और ये आपका एम ई अबव द प्लेन ये पी एच, यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, यही इक्वल टू आप कह सकते हो, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूं इस सेंटर पर स्टीरियो नहीं हो रही, इस सेंटर पर, यानी कि इस सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही, तो ये तो एज इट इज रहेगा, आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, ये आपका ओ आर है, ठीक है, और ये एच है और यहां पर वाली स्टीरियो आपका ओ एच और आपका ये एम ई, ये आपका ओ एच है भैया और ये आपका पी एच, यानी कि ये और ये अगर आपको ये मिले या ये मिले एग्जाम में दोनों सेम है, ठीक है, कई बार वो इंटरचेंज करके भी दे देता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आप उस केस में क्या करोगे, आप इस सेंटर पर पहले ही आर एस कर दोगे, अगर मान लो सब मैंने निकाला नहीं, मैं जस्ट गैस कर रहा हूँ, मान लो ये आर है तो यहाँ पर भी आर ही होना चाहिए, यहाँ पर भी आर ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये डैश ट्यूमर बनेगा, क्योंकि इस सेंटर पर स्टीरियो, इस सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस सेंटर पर मैंने बोला कि जो एमई नेगेटिव है ये अटैक दो तरीके से कर सकता है, एक तो स्मॉलर ग्रुप की साइड से, दूसरा आपका अबव
टूवर्ड्स द व्यूअर कर सकता है या अवे फ्रॉम द व्यूअर कर सकता है, ठीक है। जैसे मेजर प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, टूवर्ड्स द व्यूअर, अबव द प्लेन करने से मेजर आ रहा है, तो माइनर क्या होगा, बिलो, यानी कि अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी कि जब ये एम ई आपका बिलो होगा तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि यहाँ पर याद रखने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। एन ए पॉजिटिव के पॉजिटिव याद रखना कि ये चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और लिथियम पॉजिटिव जनरली ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करता है, बाकी सारे जितने भी आपको मेटल मिलेंगे वो चिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्लेडन की बुक में भी आपको मिल जाएगा, क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर आप डाइसो सेलेक्टिविटी पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 887 के आसपास है, ठीक है, 887 के आसपास आपका मिल जाएगा आपको क्या डाइसो सेलेक्टिविटी, यानी कि क्राइम्स रूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लेडन का सेकेंड एडिशन देखना, अप्रोक्स आपका 887 पेज नंबर में, राइट। थैंक यू।